नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। यहाँ पे दोस्तों आज करेले की सब्जी या रोटी बनाने चल रहे हैं सुबह में। तो दोस्तों करेले की सब्जी एक नए तरीके से आज बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों करेले को हमने छिलके उतार के हल्का हल्का, इसके बाद दोस्तों छिलके को उतार कर काट लिए हैं इसको। तो दोस्तों चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करेले रख दिए हैं तो करेले हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो करेले के तेल में दोस्तों सब्जी थोड़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है बार। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने छिलके इस मूँगफली को उतार ले रहे हैं। मूँगफली को हल्के से भून लिए हैं। करेले की भुजिया बनाना चाहिए तो तड़के में जैसे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पचफोरन डाल रहे हैं, तो पचफोरन डालना चाहिए तड़के में करेले को। अब इसमें हींग को डालेंगे। तो दोस्तों उस तरह से करेले की सब्जी तो बराबर हम बनाते तो आप लोग को दिखाते नहीं हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे कमेंट आया था करेले की भुजिया सब्जी बनाकर आप दिखाइए एक बार वीडियो में। तो दोस्तों करेले को जैसे देखते हैं कि सब लोग नमक और हल्दी डालकर इसके तीखे के नाते दोस्तों इसको अच्छे से गार कर निकाल के पानी फेंक देते हैं, उसके बाद करेले की सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें के सारे विटामिन ख़त्म हो जाता है। तो करेले की सब्ज़ी दोस्तों शुगर वाले के लिए बहुत ज़्यादा फायदे चीज़ है दोस्तों। तब यहाँ पे तड़के जलने के बाद से हम डालेंगे प्याज को। यहाँ पे 3 प्याज हमने काट कर रख लिए थे। उधर दोस्तों दिखाए मूँगफली पे हमने पीस ले रहे हैं। मूँगफली को उसमें पीस के डालने से सब्जी जो हमारे दोस्तों हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसा होता है। भूनेंगे नहीं इसमें, जैसे देखते हैं प्याज इसी तरह से रहना चाहिए करेली भुजिया में। ज़्यादा भून देने पर दोस्तों प्याज के जो टेस्ट है ख़त्म हो जाता है, अच्छी नहीं लगती है करेली की सब्जी। अब इसमें हम डालकर अच्छे से मिलाएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डालेंगे हल्दी पाउडर आधे चम्मच। अच्छे से मिलाएंगे इसको हम। नींबू का रस डालेंगे दोस्तों। आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी छोटे चम्मच से आधे चम्मच डाल सकते हैं। तो नींबू को बीज को हम निकाल लें अच्छे से। अब इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच नमक, नमक डालकर अच्छे से मिलाएंगे इसको। करेले को हम अच्छे से पहले पकाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं अच्छे से हम भूनने के बाद से यहाँ पे भून लिए हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से भुना गया है। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे मूँगफली। मूँगफली को हल्के से भूनकर हम रखे थे। दोस्तों इससे काफ़ी टेस्टी हमारी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी टेस्टी इसकी सब्जी बन जाती है। तो दोस्तों जब भी हम आप लोग को वीडियो दिखाते हैं तब भी ऐसा मौसम बनता है इस समय कि चूल्हे पे वीडियो दिखा नहीं पाते हैं, गैस पे पूरा वीडियो दिखा देते हैं। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कितने तगड़े बादल लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है दोस्तों। दोस्तों पूरा वीडियो कभी भी रहेगा दोस्तों, तब तक सीत रहा देती है। अब देख रहे हैं दोस्तों करेले की सब्जी बन पाती है कि नहीं इस पर। अब बहुत तेज़ दोस्तों एक फुहारे पड़ना शुरू हो गया है। तो हमारी सब्जी जो है काफ़ी कुरकुरे बनती हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी करेले की भुजिया सब्जी है ये। अब बहुत काफ़ी सुंदर भी लगता है दोस्तों सब्जी। खाने में दोस्तों तो पूछिए मत कितना थे। आप रोटी के साथ में परेठे के साथ में इसको खा सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम ढककर पकाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद खुलते छोड़ेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से कुरकुरी हमारी सब्जी यहाँ पे बन के तैयार है। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं सब्जी हो चुकी है, तो इसको हम कढ़ाई में इस तरह फैला कर 5 मिनट छोड़ देंगे अच्छे से। तो सब्जी अपने आप कुरकुरे हो जाती है। तो करेले की भुजिया दोस्तों थोड़ी सी कुरकुरी रहती है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दोस्तों सबके कुरकुरी भुजिया के सब्जी करेले के नहीं पसंद है। तो इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं बन गया यहाँ पर।
अब इस तरह दोस्तों सब्जी को हम लेके चल रहे हैं। नीचे दोस्तों बारिश आ गई है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जी लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं बहुत काफ़ी सब्जी टेस्टी बन गया दोस्तों। तो इसमें हम रोटी भी सेकने वाले थे दोस्तों, रोटी नहीं बना पाएंगे, अब नीचे हम बनाएंगे रोटी को ले चलकर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर हम नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं दोस्तों, तब तक को सब्जी को इसमें हम पलटी कर ले रहे हैं।